بالحب تلقاك البدور ضيف الاماني والسرور فيك العطايا والاجور يا مرحبا يا مرحبا زين الش... ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وفي رواية وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. अलहमाफ़ाउनफ़ानबीमा तनाव औरजन रबली सौधरी बयसरली अमरी वहदतमिलसैैनी यफ़ा कौली बरदरान इस्लाम वाजिबुलहतराम बुज़र्गो दोस्तों अजीज़ साथियों लायक अहतराम माओ और बहनों अल्लाह तबारक वाल का ये बेानतहा फ़जल है कि उसने हमी इन रातों के अंदर अल्लाह के दिन को समझने और अल्लाह के दिन अमल करने के जज्बे से यहाँ जमा फरमाया है कलीमे केनवान के तहत आपके सामने बहुत से उन कलिमात और उन अल्फाज पर बहस हो चुकी है जो कि हमारे दौर हाज़िर की ज़िंदगी के लिए भी ज़रूरी हैं और उख़रवी ज़िंदगी के लिए भी ज़रूरी हैं आज आपके सामने जिस जिसवान के लिए मैं आपको ख़िताब करने वाला हूँ ये बहुत ही मुआशरे में अहमियत रखने वाली और हमारे मुआशरे को बल्कि सुधार देने वाली और दुनिया व आखिरत की कामयाबी इसी एक लफ्ज के अंदर मुजमर है छुपी हुई है वो लफ्ज़ है वालिदैन कल हमने औलाद पर कुछ बातें कुरान और सुन्नत के हिसाब से पेश की थी आज वालिदैन जो कि हर कोई जानता है कि माँ बाप का हक होता है लेकिन अफसोस तो यह है करता नहीं है या उसकी तरबियत उस पे नहीं होती है मैंने समझता कि दुनिया में कोई मजहब ऐसा हो जो इस्लाम ने वालद को मुकाम दिया हो वैसा ही मुकाम मजहबी एतबार से किसी और मजहब में मिला हो ये वाहिद इस्लाम है जिसमें वालिदैन का रुतबा इतना ऊंचा किया गया इतना ऊंचा किया गया उसके बाद फिर कोई और रुतबा बाकी नहीं रह गया अल्ला तबारक तआला ने बहुत से मुकामात पर अपने हक़ के बाद किसी का हक और उसका ज़िक्र किया है तो वो वालिदैन है वालिदैन लफ्ज़ी एतबार से वालिद से निकला है और यह लफ्ज़ क़ुरान के अंदर इस्तेमाल हुआ है बलद में कि लाअसम बिहादल बलद व अनतः बिहादल बलद व व मा वलद वालिद लफ्ज़ वालिद अरबी है और में उर्दू में हम भी इस्तेमाल करते हैं वालिद बाप के माने में और दो बाप यानी माँ बाप को मिलाकर माँ बाप की खिदमत और माँ बाप के जोड़े को मिलाकर अरबी ज़ुबान में इस्तेमाल होता है वालिदान वालिद, वालिदान दो और जब उस पर फ़ा या कसरा लगता है तो एहसान के अतबार से जो लोग थोड़ा सा अरबी ग्रामर से मुतालिक जानते हैं उनको मालूम हो जाएगा कि वहाँ पर कसरा या फतह लगने की अलामत की वजह से वालिदान जाके वालिदैन बन जाता है तो वालिदैन का मतलब है माँ और बाप और माँ बाप के साथ हसन सलूक किसी मजहब में उनके साथ बदसलूकी या किसी मजहब में उनके साथ नारवा सलूक ये किसी मजहब में हमें नहीं मिलता सब में एक अमूमी नेकी ख्याल की जाती है कि वालदन की खिदमत की जाए लेकिन जहाँ ये बात है वहीं पर ये बात भी है कि वालदेन की अहमियत मजहबी एतबार से इतना ऊंचा कर दिया जाए सवाब की हैसियत से ये भी किसी और मज़हब में नहीं है जो सिवाय इस्लाम में हमें नज़र आती है अल्लाह तबारक व ने ख़ुसूसियत के साथ जब वालिदैन की खिदमत का जिक्र किया है औलाद के लिए तो हमें नज़र आता है कि अपने हक़ के बाद दूसरा दर्जा अगर रखा है तो वालिदैन बल्कि यूँ कह लीजिए अल्लाह के हक को बंदों के हक़ पर तकसीम करें तो अल्लाह तबारक व हक ये दरअसल अल्लाह के साथ के ताल्लुकात की वजह से पहला और बंदों के साथ के ताल्लुकात से दूसरा नहीं पहला हक वालद इनका है अगर हम देखें इस तरह बंदों का ताल्लुक अलग है बिल इबाद, हकूक़ बिल्बा हकूक़लिबाद और एक दूसरा जोड़ा है अल्लाह के अगर इस मामले में देखा जाए तो अल्लाह के को छोड़कर पहला हक अगर बंदों के हक़ में देखा जाए तो वो वालिदैन हैं और मैं आपको कुरान के अंदर वालिदैन के हुस्न सुलूक और ख़िदमत के एतबार से जो मज़ामीन आए हैं मुख्तलिफ़ जगहों से उसको मैं आपके सामने पहले पेश करता हूँ तो पहले जान लीजिए कि कुरान ने कितनी अहमियत दी है फिर इस पर इन शाह और आगे गुफ्तु होगी खसस वगैरह की शक्ल में कि कुरान ने एक मरतबा भी एक बात कह दी अभी अच्छी तरह नोट कर लीजिए क़ुरान ने एक मरतबा भी एक बात कोई कह दी तो वह फ़र्ज़ है जो भी हुक्म आ गया एक ही मरतबा कहीं कहीं एक मरतबा आ गया जबकि हमारा ईमान तो एक, एक वाव भी जायद नहीं है एक फते वम्मा कसरा भी जायद नहीं है जितना है ये सब कसर अल्लाह तबारा को के पास से उतरा हुआ नाज़िल शुदा है तो अल्लाह ने एक मरतबा कोई एक हुक्म दे दिया और उसकी खिलाफ वर्जी हुई तो वही मामला है जो अल्लाह तबारा को ने ताय की कोहताही के मामले में आजाब रखा है लेकिन जहाँ तक बात की संगीनी होती है या बात की अहमियत होती है इस हैसियत सेमूमी तौर पर क़रआन अहम तरीन मजामीन को दो मरतबा तो कम अज कम जिक्र करता है दो मरतबा तो कम अज कम ज़िक्र करता है अहम तरीन मजामीन को और क़ुरान वालदे की खिदमत के सिलसिले में अगर हम देखेंगे कि मिलते जुलते आयात तकरीबन सात जगह इस्तेमाल किए हैं वालदेन के साथ हसन सलूक करो सात जगह एक दो जगह नहीं है इसकी अहमियत के लिहाज से अल्लाह अ तबारको कुरान में सात जगह जिक्र किए हैं अब नोट कीजिए पहले सुर बकरा दो नंबर की सूरत और आयत एटी थ्री फरमाया के वईद अखदना मीसा का बनी इसरा तबल्ला वबिलवाली एहसान वजीकुरबा वलमा वमसक़ी वक़ूल हसनऊीम अल्लाह अल्लाबारक व इस आयत में यह नहीं कहा कि तुम्हारे हुक्म दिया जा रहा है बल्कि कहा कि हमने पुख्ता अहद लिया पिछली कौमों पर यानी बनी इसराइल पर बनी इसराइल से भी हमने यही अहद लिया था अहद था अज्ना मीसा का बनी इसराइल ला तहदून अल्लाह के साथ किसी को शरीक न करना यह अल्लाह का हक हाँ हो गया अल्लाह के हक़ के बाद फौरी किसका हक हाँ है वबिल वालिदैन एहसाना वालिदैन के साथ एहसान करना हुस्न सलूक करना नेकी करना अच्छाई करना बुराई का तस्वर भी नहीं लाना ये किसके लिए पिछली कौमे के कौमों के लिए भी यही तकीद बनी इसराइल के लिए भी यही तकीद हमारे लिए भी यही तकीद क्योंकि अल्लाह यहाँ नक़ल कर रहा है कि हमने बनी इसराइल को यह हुक्म दिया था तो बनस्बत हमारे लिए भी वही हुक्म दोहरा दिया तो उनके लिए भी वही हुक्म हमारे लिए भी वही हुक्म तो फरमाया कि अखदना मीसा का बनी इसराइल ला तबून अल्लाह वबिलवालदैन ला तबून इला वबिलवालदैन एहसाना फिर निसा चार नंबर की सूरत छत्तीस नंबर की आयत थर्टी सिक्स फरमाया वबुदल्ला वला तुशरीको बी ही शै वाली एहसाना वबुदल वला तशरीको बिही बिल वाली एहसाना देखो अल्लाह एक की इबादत करो उसके अलावा किसी और की इबादत न करो पहले अपना हक फिर बाद में किसी का हक तो फरमाया कि व वाली एहसाना वालदे माँ बाप के साथ हसन सलूक करो माँ बाप के साथ हसन सलूक करो सुरह बकर एटी थ्री आयत एक हो गई सुरह निसा छत्तीसवीं थर्टी सिक्स आयत नंबर दो हो गई दलाइल दो हो गए फिर अल्लाह तबारा को वाला सुरा आम छः नंबर की सूरत और अल्लाह तबारा को वाला फरमाता है, कुल तलो अतलुमा हरमा रब अल्ला तुश्रको भी शै वाली एहसाना

तुम्हारे रब ने तुम पर क्या हराम किया है क्या हराम किया है मैं तुम्हें पढ़ के सुनाऊ रब्लाकू भी अलैकुम अल्लाह के साथ किसी और को शरीक ना करो अल्लाह के साथ शिरक न करो वबिल वाली अहसाना और वालिदैन के साथ हुस्न सलूक करो 151 आयत नंबर छह नंबर की सूरत सूरह आले इमरान तीन हो गई قال تبارك وتعالى ہے سوره إسراء ستر نمبر فرمایا کہ وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا اما يبلغن عندك الكبر احدهما او كلاهما فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمه रबारब्बानी सगीरा फरमायाबारा ने फैसला कर दिया है कबोरबुक मतलब अमारा रबुक कबोर रबुक एक मना क्या है अमारा रबुक अल्लाह ने तुम्हें हुक्म दिया है क्या हुक्म अल्लाहब अल्लाह के साथ किसी और को शरीक ना करो अल्लाह एक की इबादत करो वालिदैन के साथन सुलूक करो इम्मा इमागन इंदकल इनमें से दोनों अगर बूढ़े हो जाए इंदकल किबर अहदुहुमा औ किलाहुमा एक या दोनों माँ बाप में से कोई एक या दोनों बूढा बुढ़ापे पे पहुंच जाएं उनकी उम्र वहां पहुंच जाए किसी को बुढ़ापे में अपने बाप और माँ की खिदमत करने की तौफ़ीक मिल जाए तो यह बहुत बड़ी अल्लाह की नेमत है और इसमें जिक्र पहले किया कि किद हमा और किलामा एक कोई तुम में का माँ बाप में से कोई एक बुढ़ापे के उम्र को पहुंच जाए या नहीं तो दोनों पहुंच जाए पहले एक का जिक्र किया बाद में दोनों का जिक्र किया क्यों क्यों दो होते तो कम से कम एक दूसरे की बात हल्का कर लेते जान हल्का कर लेते एक दूसरे से तो माँ बाप दोनों ही बुढ़ापे को पहुंच गए ना तो कम से कम तो है मियाँ बीवी एक दूसरे के साथी गमकुसार तो कोई मिल जाएगा वो थोड़ी देर के लिए ये थोड़ी देर के लिए बातचीत तो कर ही लेंगे लेकिन अल्लाह किसी एक को बुला ले किसी एक को रखे उनका ज्यादा ख्याल रखना चाहिए इस वजह से पहले जिक्र किया अहद हुमा क्यों उनको उनका साथी भी नहीं है कोई बाप तन्हा रह जाए या कोई माँ तन्हा रह जाए तो औलाद के जिम्मे ज्यादा हक बनता है कि एक की ज्यादा खिदमत करो क्यों अगर दो होते तो कम से कम वो दोनों तो वक्त गुजार लेते कुछ ना कुछ लेकिन एक तनहा हो गए तो अब तुम्हें पूरा देखना है अब कोई बात शेयर करनी भी है तो वो औलाद से शेयर करेंगे तुम बैठते ही नहीं हो तुम उनसे बात ही नहीं करते हो दुनिया जहाँ की बातें करने के लिए दोस्तों के साथ वक्त है लेकिन माँ के पास बैठ के एक अच्छी बात बोलने के लिए वक्त नहीं है इससे बदबक तरीन दरिंदा कौन होगा जिसने परवरिश की उसको खून बना के दूध बना के पिलाया उसके लिए भूखी रही उसके लिए रातों को जागा ऐसी शख्सियत और हस्ती के लिए बड़ा हो के उसके पास वक्त नहीं है कि बैठ के बाद बाज समझते हैं कि पैसा भेज दिया बहुत बड़ा हमने क्या कारनामा अंजाम दे दिया याद रखिए पैसा पैसा गमकसारी नहीं कर सकता वो भनी न शहूदा हाजिर रहने वाले जो होते हैं ना वो औलाद हैं असल में खिदमत में बैठते हैं वक्त देते हैं माँ बाप के लिए आके बैठ के उनकी बातें सुनते हैं तब कहीं जाके वो चीज़ जो उनके दिल में होती है उनके लिए बातचीत वक्त देना ये सबसे अहम होता है उनका शिकवा ये नहीं होता कि पैसा नहीं देता है उनका शिकवा ये होता है कि बेटा मेरे पास बैठता नहीं बेटी मेरी बात सुनती नहीं मैं बुढ़ापे में पहुंच गई हूँ मेरे पास कोई वक्त गुजारने के लिए नहीं आता है शिकवा तो ये होता है माँ बाप का तो असल में वक्त का देना असल में वक्त का देना उनकी मासूम सी बातों को क्या है मजाक ना उड़ाना तुम एक जमाने में इससे ज्यादा पागल और मासूम थे माँ बाप तुम्हारा मजाक नहीं उड़ाते थे तुम्हारी एक एक बात को दौरअसल जवाब देते थे एक एक बात को जवाब देते थे तुम दस दस मरतबा पूछते थे तो वो दस दस मरतबा जवाब देते थे क्योंकि बच्चों की आदत होती है आमतौर पर जब बात करना या बाहर से देखना शुरू करते हैं शुरू पैदा होता है बाप को या माँ को तंग करते हैं बताओ ये क्या है बताओ ये क्या है कितने मरतबा पूछे उतने मरतबा माँ बाप खुश होकर बोलते हैं कि बेटा इसको फैन कहते हैं बताए इसको लेट कहते हैं बेटा इसको ये कहते हैं बेटा इसको फिर पूछता है यही पूछता है एक मरतबा वो मशहूर वाक्य जो कि व्हाट्सअप वगैरह में बहुत ज्यादा आया था लेकिन इबरत के लिए मैं कहता हूं कि एक वालिद अपने बेटे के साथ बाग में बैठा हुआ था और बूढ़ा था कि उसने एक परिंदा उड़ के गया तो उसने पूछा कि बेटा ये क्या है उसने जवाब दिया कि फला परिंदा है बाप तो कम सुना ही देता है कमजोर हो गया और जहन में भी क्या है बैठती नहीं है बात तो थोड़ी देर गुजरी और उसके बाद फिर कहा कि बेटा ये क्या है तो बड़ा क्या है बस सूरती के अंदाज में कहा कि पहले ही बताया नहीं था ये परिंदा है अब फिर फिर थोड़ी देर गुजरी तो फिर वो परिंदा यहां से वहां उड़ा तो बाप ने पूछा कि ये क्या है कहा कि कितने बार बताऊँ तीन मरतबा बता चुका हूँ तो बाप ने कहा कि बेटा जरा मेरे साथ आना फिर वो अंदर गया अरमारी खोली लॉकर खोला तो अब दरअसल बेटा समझ रहा था पता नहीं अब क्या हीरे वगैरह जवाहरात या आकर कोई और चीज डॉक्यूमेंट्स वगैरह देने वाले हैं शायद बाप ज्यादा खुश हो गए मेरे से तो उसने एक पुरानी डायरी निकाली और कहा कि बेटा तुम जब बचपन में थे दो तीन साल के तुमने एक मरतबा में ऐसे ही बाग में तुम्हें लेके गया था तुमने इक्कीस बार मेरे से पूछा कि अब्बा ये क्या है और मैं इक्कीस बार तुम्हें बताया कि ये क्या है आज तुम तीन मरतबा पूछने में गुस्सा मैंने वो डेट लिख के रखी है इस डेयरी के अंदर कि उस दिन तुमने मेरे से 21 मर्तबा पूछा कि अबू क्या है तो मैं इक्कीस मरतबा बिला कोई झिझक के तुम्हें बताता रहा आज बुढ़ापे में मैंने दो मरतबा तुमसे पूछ लिया तो तुम झिंझ गए बचपन भूल जाता है बंदा बहुत जल्द अपना बचपन याद करो कि किस हालत में तुम्हें परवरिश की थी माँ बाप की इसके अंदर क्या तक दो कोशिशें हैं फरमाया कि अहद हुमा और किला हुमा दोनों बुढ़ापे की मंजिल पे पहुंच जाए खासकर फला तक हुमा उफ़ उनके सामने उफ भी ना कहो उफ उफ कितना जुमला है जी उफ क्या मतलब झिड़की देना तो बहुत दूर की बात है सिर्फ उनके किसी बात पे उफ भी न कहो। ना कहो नागवारी का इजहार भी ना करो वो तुम्हें कितने मरतबाई क्यों ना कहें और वो कितने मरतबा ही भूल जाए हुक्म देता है उनके साथ उफ भी ना करो फला तकुल्ल उफ वला तनहर हुमा और झिड़की तो हरगिज ना देना झिड़की हरगिज ना देना माँ कहती है जा बेटा जाओ कितने मरतबा गया मैं नहीं, रिक्वेस्ट करो अभी जाके आया था थोड़ी देर बाद जा रहा हूं लेकिन तुम्हारे दोस्तों के लिए तुम्हारे अपनी मनमानी ख्वाहिशों के लिए माँ को झिड़की ना दो वो औलाद कभी कामयाब नहीं होती जो माँओं को झिड़की देती है जो दोस्त से ज्यादा जो अपने आप पर तरजीह देती है जो दोस्तों को तरजीह देती है बाप के अलावा बाप को वो वक्त नहीं दोस्तों के लिए वो वक्त है माँ को वो वक्त नहीं बीवी के लिए वह वक्त है। नहीं बराबरी करो उनके लिए भी वक्त दो इनके लिए भी वक्त दो, दोनों में मैनेज करो बैलेंस ले आओ वरना अल्लाह को व ताला के यहां पूछे जाओगे ये हक है उनका फरमाया के वला तकुल्ल उफ उफ भी न कहो वला तनहरहुमा हुमा झिड़की तो हरगिज ना देना वकुल्ल कौलन करीमा जब भी बोलना है बड़े ही अपनईस के साथ कौलन करीमन अच्छा मीठा बोल बोलो उनके साथ मुंह मीठा खड़वा कसेला ना माँ कितनी ही गुस्से वाली क्यों ना हो तुम्हारा हक बनता है कि तुम अच्छा बोलो उनके साथ माँ गाली दे दी मैं भी गाली दो बत वक्त माँ के बराबर ही करता है माँ तो तेरा गलाजत उठाई थी तुझे बनाया था तूने क्या किया था माँ के बराबरी में गाली देगा माँ ने कुछ कह दिया तो तू भी वही कहेगा आज की औलाद बराबरी करती है कहां बराबरी अल्लाह कहता है कि कौलन करीमन ऐसा बोल बोलो जो बड़ा नरम हो हसन बसरी के बारे में रहम्ला जो तमाम ताब के इमाम माने जाते हैं कहते हैं कि जब वो उनसे मां मा से बात करते मां से बात करते तो मां को पूछना पड़ता कि बेटा तूने क्या कहा क्या कहा और इतने बड़े वाइस थे इतने बड़े वाइस थे और उनका मजमा लाखों का होता था लाखों का जब मस्जिद में बैठ के खिताब देते लाखों का मजमा होता था और आवाज इतनी बुलंद थी कि उन्हें लाउड स्पीकर की तो उस जमाने में थे ही नहीं लेकिन लोग बात को बात पहुंचाते थे लेकिन हसन बसरी में वो भी जरूरत नहीं पहुंच नहीं आती थी कि उनकी आवाज ही इतनी काफी थी कि लाखों के, के तक पहुंच जाए ऐसी ही बेहतरीन आवाज थी लेकिन माँ से बात करते थे तो इतना पस कर देते थे कि मां को पूछना पड़ता था कि बेटा तूने क्या कहा और जब ये बाहर आते थे तो तलबा पूछते थे इमाम आपकी आवाज तो हजारों में पहुंचती है आप मां से इतना पस बात करते हैं कि मां को पूछना पड़ता है तो कहा कि ने कौलन करीमा कहा मैं डरता हूं कहीं आवाज माँ से बुलंद ना हो जाए अल्लाह नाराज ना हो जाए मेरी आवाज माँ से बुलंद ना हो जाए और अल्लाह नाराज ना हो जाए इस वजह से मुझे अपनी आवाज को पस्त करना पड़ता है बड़ी मुश्किल से पस्त करता हूं सिर्फ इस वजह से कि ने कहा है कि कौलन करीमा अच्छी बात करो उनसे और फरमाया वक्ना अपने लिए भी नहीं फरमाया अपने लिए भी ये नहीं फरमाया कि तुम मेरे दरबार में नमाज के लिए खड़ो तो खंदे झुका के खड़े हो नहीं कहा अल्लाह ने मां बाप के लिए कहा कि मां बाप के सामने तुम खड़े हो तन के मत खड़े हो किसके पास तनावटी दिखा रहे हो उसके पास जिन्होंने तुम्हारी गलाजत उठाई तुम गलाजत तो खा लिया करते थे तुम्हें पता भी नहीं था ऐसे वक्त में तुम्हें धुला के पहना के खूबसूरत पाउडर लगा के तुम्हें देख के खुश होती थी तो कौन थी वो वो माए थी वो बाप थे तो उनके सामने खड़े होते वक्त ये खंदे ऊंचे ना हो जाएं, यूं तन के मत खड़े हो कहा के वक्म जना रहमा, तजल्ल के साथ अपने आप के ये खंदे झुका के रखो उनके सामने तन के बात मत करो ना बाप के सामने ना माँ के सामने खा माँ बाप कैसे सुलूक करें ये दूसरी बात है माँ बाप बाज लोग कहते हैं कि माँ बाप ऐसा करते ना मौलि साहब हमें क्या माँ बाप जो करते हैं वो जवाबदाह हैं माँ बाप जो करते हैं औलाद के हक में वो वो जवाबदाह हैं लेकिन तुम्हारा अगर मामला अल्लाह के सामने पेश होगा तो अल्लाह पूछेगा तुम्हारा सुलूक माँ बाप के साथ क्या था यह नहीं पूछेगा कि माँ बाप का सुलूक तुम्हारे साथ क्या था वो उनसे सवाल होने वाला है वो जवाब दे देंगे लेकिन तुम ही अगर मुसलमान है तुम मानते हो कि अल्लाह तुम मानते हो कि कुरान अल्लाह का कलाम है तुम मानते हो कि मोहम्मद और रसूल सल अल्लाह वसलम हमारे नबी हैं रसूल हैं इनकी कही हुई बात को टालना नहीं है तो फिर हमारे लिए हुक्म एक ही है कि वो कुछ भी कर लें तुम्हारे साथ बदसलूकी लेकिन तुम्हारे लिए जायज नहीं कि तुम उनसे बदसलूकी करो अल्लाह ने अपने लिए नहीं कहा कि खंदों को झुका के नमाज में खड़े हो लेकिन के लिए कहा जाओ जाके उठा के देखो इसरा आगे अपने कंधों को झुका के रख के खड़े हो और जब कभी भी अल्लाह की बारगाह में हाथ उठाओ सेल्फिशनेस के साथ अपने आप को दुआ मत कर लो बल्कि कहो और रब कमार अब यानी अल्लाह मेरे मां बाप पर रहम फरमा जिस तरह उन्होंने मुझे बचपन में रहम करम के साथ पाला था मां बाप को ना भूलो वो ना होते तो तुम ना आते वही तो जरिया थे दुनिया में आने का ये चारवीं जगह तब को वह कहता है चारवीं जगह फिर अल्लाह को व तआला कहता है सूरह अनकबूत के अंदर सातवीं आयत 29 तो सूरह वस्नाल इंसान न बिवालदेही लोगों अल्लाह ने वसीयत की है हाँ यहां तो लफ्ज वसीयत आ गया इससे पहले तक क्या है अल्लाह ने फैसला सुनाया था अल्लाह ने हुक्म दिया था यहां अहमियत के पेश नजर कहता है कि वस्ना हमने वसीयत कर दी इंसान को क्या वसीयत की बिवालदेही हुसना वालिदैन के साथ हुस्न से करना याद रखो उनके साथ कोई चीज कोई बदबक नामुनासिब बात पेश न आए फिर इसी तरह ये पांचवा हुआ छठा पहुंचिए लुकमान के अंदर फरमाया इकतीस नंबर की सूरत और आयत नंबर पंद्रह फरमाया कि सीन इंसान बी हमने वसीयत कर दी इंसान को के वालिदैन के साथ हुस्न सलूक करो ये वसीयत है मेरी वसैन बी वालिदई हम

वाहन अला वाहनिन बोझ पर बोझ उठाए बोझ पर बोझ उठाए कैसे तुम तो एक मिनट के लिए पंद्रह ग्राम का पत्थर ही बांध के चलो कितना देर चलते हो पंद्रह ग्राम का पचास ग्राम का पत्थर ही बांध के दो दिन गुजार के दिखाओ अगर हो सकता है तुम्हारे माँ ने तुम्हारे बोझ को नौ माह उठाया और आखिरी में तो अढ़ाई तीन किलो का बच्चा पैदा होता है साढ़े तीन किलो का बच्चा पैदा होता है और वो मुकम्मल हो चुका होता है छठवा महीना सातवा महीना आठवां महीना नौवा महीना तकरीबन तीन तीन किलो उठाए फिरती थी तीन तीन किलो इतना बोझ उठा, उठा के तुम एक घंटा नहीं फिरोगे इतना बोझ उठा के तुम एक घंटा नहीं फिर सकोगे उसने रात दिन रात दिन तुम्हें उठाए फिरा सोते वक्त भी उठाए रखा चलते वक्त भी उठाए रखा बिस्तर पे भी उठाए रखा बीमारी में भी उठाए रखा बुखार में भी उठाए रखा इसका तुम कैसे हक अदा कर सकते हो तो अल्लाह तआला कहता है सिर्फ इतना ही नहीं है कि बोझ पे बोझ उठाया बल्कि विलादत के बाद अपना खून दूध बना के तुम्हें दो साल साल तक पिलाती रही दो साल तक मैं पिलाती हूँ हूं आमाइन, दूध छुड़ाने में दो साल लग गए तो फरमाया, देखो याद रखो, इसी वजह से मेरा शुक्र अदा करो रब का और अपने वालिद का अल्लाह कहाँ ला के खड़ा कर दिया दे देखो कहा कि अनिश्कुरी वो वालिदई देखो याद रखो मेरा शुक्र अदा करते रहना मैं खालिक हूं और ये वालिदैन हैं इनका भी शुक्र अदा करते रहना इनके जरिए तो दुनिया में आंख खोली थी ये अजमतें कौन दे रहा है रब्बुल आलमीन दे रहा है कोई दूसरा नहीं अजमत पहचानो जिनके वालिदैन हैं हां याद रखो उन पर बड़ी जिम्मेदारी है और जन्नत बड़ी आसान है उनके लिए इनल जन्नत तहत अकदाम तुम और माया के कदमों तले जन्नत है यानी उनकी खिदमत में जन्नत है अब भी खिदमत करके जन्नत अपने नाम कर लो बड़े बड़े ने किया नहीं है माँ की खिदमत में अल्लाह ने बहुत रखा है माँ की खिदमत में दुनिया व आखिरत दोनों चीज़ रखा है बाप की खिदमत में अल्लाह ने दोनों चीज़ें रखा है ज्यादा नहीं फराइज अदा करो अगर माँ बाप हैं तो बक़िया इनके साथ अच्छा सलूक करो बस तुम दुनिया आखिरत में पास हो जाओगे जिनके नहीं हैं उनके लिए भी है दुआ में कभी ना भूलना दुआ में कभी ना भूलना सेल्फिश ना बनना जब भी हाथ उठाओ माँ बाप का ख्याल करो मेरे माँ बाप पहुँच चुके हैं उनके दर्जात बुलंद कर अल्लाह उन्हें बेहतरीन जगह रख अला में जगह दे उनके रूहों को अल्लाह व तआला वाला नसीब कर ये दुआएं कभी ना भूलना अपने माँ बाप को जिनके चले गए हैं और जो नाराजगी में चले गए फिर इसका कोई मदावा ही नहीं है माँ बाप मरते वक्त नाराज़ थे औलाद से तो याद रखो फिर तो औलाद के लिए कोई गारंटी नहीं जन्नत की कोई गारंटी नहीं जन्नत की उन्हें नाराज ना करो उनकी नाराजगी में अल्लाह की नाराजगी है उनकी रजा में अल्लाह की रजा है तो फरमाया

حملته امه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله ثلاثون شهرا هو उम हो वहन अला वहन فِي عَامَيْنِ आमिन अनिश कुर्ली वाली वालई यहाँ पर यूँ कहा वालदे के बारे में यहाँ पर यूँ कहा कि वालदेन के साथ नेक सुलूक करो हसन सुलूक करो क्यों उन्होंने बड़ी मुश्किलात उठाए तुम्हारे हमल में भी उठाए तुम पैदा होने के बाद भी उठाए वफी सोलह सलासून शहरा और दूध छुड़ाने की मद्दत कम अज कम तीस महीने हो गई तीस महीने तलासुना शहरा कैसे तीस महीने कम से कम हमल की मुद्दत कुरान ने तब बतलाई है छः माह में भी बच्चा सही वो सालिम पैदा हो सकता है अगर किसी का पैदा हो गया तो वो जानी नहीं कहलाएगी क्यों छः महीने की अकल तरीन मुद्दत है हमल की इससे कम में अगर बच्चा पैदा हो गया तो हो सकता है जिना की तोहमत लगे लेकिन छः के अंदर पैदा हो गया तो नहीं होगा क्यों अल्लाह ने कहा कि पैदाइश और दूध मिला के तुम्हारी मुद्दत तीस महीने अढ़ाई साल तो दो साल निकाल लो तो छः महीने बाकी रहते हैं तो छः महीने में भी कोई बच्चा सही वो सालिम पैदा हो सकता है गलत नहीं है गलत नहीं है हजरत इब्न अब्बास के इस आयत में यही फैसला है गर्ज व मसाइल हैं मुझे आज मसाइल पे नहीं है कोई और दूसरी चीज़ है जिस पर गुफ्तु करनी है वालदेन के हकूक के सिलसिले में तो ये पूरे सात मकाम की आयात मैंने जमा करके आपके सामने पड़ी है जहाँ पर अल्लाह तबारक व ने बार, बार कहता है वालदेन के साथ हसन सलूक करो वालदेन के साथ हसन सलूक करो वालदेन के साथ हसन सलूक करो वालदा के साथ ज्यादा हसन सलूक करो क्योंकि उन्होंने हबल भी संभाला है अल्लाह के रसूल सल्ह वसलम के पास एक सहाबी आए पूछा लसूल मेरे हसन सलूक का सबसे बेहतरीन कौन मुस्तह है फरमाया के उमुख तेरी माँ फरमाया के सुमन उसके बाद कौन है कहा के उमुख तेरी माँ फरमाया के सुमन फिर उसके बाद कौन है फरमाया के उमुख तेरी माँ फिर पूछा के सुन उसके बाद कौन है कहा के अबूक तेरा बाप तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु वसल्लम ने 100 परसेंट खिदमत में 75 परसेंट हिस्सा खिदमत का वालिदा के लिए रखा 25 परसेंट मिला बाप को तीन मर्तबा पूछने पे कहा कि तीन मर्तबा तेरी माँ चारवें मर्तबा पूछने पे कहा कि तेरा बाप तो खिदमत के एबार से सबसे ज्यादा अहमियत वालिदा की है क्योंकि वह हमल को उठाए रखा

सेवेंटी फाइव परसेंट माँ को मिला खिदमत का हिस्सा फरमाया कि इनसे हस्न सुलूक करो इनके साथ हसन सलूक करो इनके साथ हस्न सलूक करो इनकी खुशी अल्लाह की खुशी इनकी नाराजगी अल्लाह की नाराजगी अले के रसूल सलम ने अपनी माँ को नहीं देखा छः साल की उम्र ही क्या उम्र होती है ए छः साल की उम्र थी अल्लाह ने माँ को बुला लिया बाप पैदा होने में अभी दो माह बाकी थे उससे पहले ही बुला लिया यतीम पैदा हुए माँ को देखा लेकिन छः साल की उम्र तक छः साल की उम्र में माँ को भी खो दिया वो बच्चा जो अपनी उम्र के छः साल में माँ बाप को खो देता है उसके अहसास क्या होंगे अपने माँ बाप के सिलसिले में ये तो रसूल रहमतुल्लमीन है तड़पती नहीं होगी कैफियतें उठते नहीं होंगे अब देखो साल पहले का वाक्य छः साल पहले का वाक्य कहला कि रसूल सल्हु वसलम अपनी माँ के साथ अपने बाप की जियारत करने की खबर को देखने के लिए गई थी तो अबवा के मुकाम पे जब वापसी थी तो इनका भी पता नहीं हार्ट अटैक ही हुआ या कुछ के फौरन बीमार पड़ी और गुजर गई और वहीं पे दफन कर दिया गया बाप भी इसी तरह मदीना गए थे वहां बीमार पड़े वहां गुजर गए 25 साल की उम्र आयन, आयन शबाब की उम्र थी पच्चीस साल शादी हो के बस सात माह रहे हैं अभी दो माह बाकी थे जिसके अंदर अल्लाह व तआला ने बाप को तो बुला लिया अच्छा तो ये छः साल तक थे छठे साल माँ के साथ गए माँ के साथ एक सफर पे गए मदीना वापस आए अबवा के मुकाम पे, और अबवा के मुकाम पे माँ बीमार पड़ी और अल्लाह तबारक तआला ने इनको भी बुला लिया अब जो आए वापस अकेले तन्हा थे तन्हा, माँ के साथ गया था काफिला आते वक्त तन्हा थे एक उम्मे अयमन खादिमा थी जो उनके बाप की खादिमा थी अल्लाह के रसूल के बाप की उनके साथ वापस आए थे कोई और नहीं था अंधेरे में भाई क्या मसला है कोई मसला नहीं हो ना हो कोई मसला नहीं उठ उट, उठना मत रहे कितने मरतबा बताता हूं कि मत आइए तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम छह साल की उम्र थी और छह साल की उम्र में बच्चा क्या समझ सकता है मां का दर्द मां का दुख और वो आ रहे हैं वापस तनहा को छोड़ के अब इसके बाद अल्लाह ने चालीस साल में नबूवत दी तेरह साल मक्के में गुजारा और उसके साथ मदीना हिजरत की मदीने में तकरीबन हो चुका था कितना छः साल का अरसा हदेबिया छः में पेश आई फिर इसके बाद उम्र फिर इसके बाद हजतल तो अल्लाह के रसूल वसल्लम फिर वापस जब आए तो वही रास्ता था जो छह साल की उम्र में गुजार के मक्का आए थे अब भी मदीने से वही रास्ता था जिस पर से गुजर के आना था तो मुकाम अबवा पड़ता था तो अल्लाह तबारा को वह अला के पास अल्तजा की कि क्या मेरी माँ की मैं जियारत करना चाहता हूँ, मेरे माँ की खबर की इजाजत है बुखारी की हदीस के अंदर मौजूद इजाजत दी नहीं इजाजत छः साल का यहाँ अरसा तेरा साल की मत की जिंदगी मिला लीजिए छः और तेरह उन्नीस साल और चालीस साल तो उम्र क्या थी चालीस और उन्नीस क्या उम्र है फिफ्टी नाइन उम्र के हो चुके थे और उसमें से छ निकाल दीजिए पचपन साल की उम्र बीत चुकी थी माँ को देखे हुए लेकिन अल्लाह के रसूल नहीं भूले माँ के अजमत को जब वहां से वापसी थी चौदह सौ सहाबा एक हजार चार सौ सहाबा सात में थे और वहां से गुजर हुआ तो अल्लाह के रसूल वसल्लम को निशान मालूम था बचपन का भी कि यहां कबर थी यहां दफनाया गया था तो अल्लाह के रसूल अलैहि वसल्लम वहां बैठ गए वहां बैठ गए वहां बैठ गए और रिवायतों में आता है कि अपने घुटने यूं उठा दिए अपने घुटने यूं उठा दिए जिस तरह हम लोग कभी कभार गम में होते हैं तो उठा लेते हैं और अपने हाथों से यूं बांध लिया अपने घुटने को और यूं सर रख लिया जारो कतार रोने लगे कौन कौन अल्लाह का रसूल कौन वल अजम कौन सईदल इंसिबल जिन कौन मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुश्तबा मुहमद वसल्लम माँ के लिए तड़प रहे हैं उम्र कितनी हो चुकी है साठ साल के करीब हो चुकी है लेकिन माँ की अजमतों का पैगाम पूरी उम्मत को दे रहे हैं कि माँ मैंने छः साल में खो दिया लेकिन उसकी दर्द को अभी तक नहीं भूला और अल्लाह के रसूल अपने घुटने उठा के अपने हाथ में दबाए हुए हजारों कतार रो रहे हैं आंसू हैं के टप टप गिर रहे हैं हती के साहबा बयान करते हैं कि जिसने भी रसूल को देखा अपने आप पर जब्त न कर सका सारे के सारे एक हजार चार सौ ने रोया है फूट फूट माँ दुनिया का सबसे प्यारा लफ्ज है इसको पहचानो अल्लाह तबारको वाली ने इनकी खिदमत में पूरी दुनिया और आखिरत रखी है आज हमारी औलाद बिगड़ रही है वेस्टर्न कल्चर सिनेमा टीवी सीरियल जिसमें माँ बाप का मजहका माँ बाप का मजाक माँ बाप की बेदबी माँ बाप के सामने पाँव पे पाँव डाल के बात करना माँ बाप के साथ दो बदों की बातें करना माँ बाप के साथ क्या है उनके बराबर दो बदों के जवाब देना ये पूरे प्लानिंग से सिखाया जा रहा है ताकि अगली नस्ल आने वाली माँ बाप की खिदमत को भूल के वेस्टर्न कल्चर की हालत में पहुँच जाए जहाँ ओल्ड एज होज में होम में कोई मरता है तो बेटा तब भी आता नहीं है दफनाने के लिए अपने माँ बाप को वो भूज चुके हैं लेकिन भुगतते हैं तो उनका दावा है कि हम पूरी दुनिया को भुगताएंगे वो अपनी नस्ल पे आज रो रहे हैं उन्हें उसकी सजा मिल चुकी है लेकिन यह बदबकिन कौम है जो बदला लेने से कभी शक्ति नहीं ये बदले में आके कहती है कि पूरी दुनिया के अंदर से मां बाप की अजमत को मिटाओ क्योंकि हम तो खो ही चुके हैं इस हैसियत से सीरियल बनाए जाते हैं इस हैसियत से सिनेमा बनाए जा रहे हैं इस हैसियत से मूवीज बनाए जा रहे हैं और नई नस्ल को बाल डाल के दाल डाल के दाल डाल के बताया जा रहा है बाप की कोई अजमत नहीं दो बदो बात करो दो बदो मजाक करो दो बदो उनके साथ जवाब दो दो बदो उनको चिल्लाओ उन पर कोई भी हरकत करो ये कोई गलत बात नहीं है ये इतना सुनाया दिखाया सुनाया दिखाया जा रहा है हत्ता कि हमारी औलाद वो सब अजमतें भूल गई जो अल्लाह के रसूल अलैहि वसल्लम ने बताई थी दीन वो तो मां बाप खुद भी नहीं सिखाते ये उनका भी बड़ा मसला है उन्होंने भी नहीं सिखाया उल्टा जो कुछ माहौल से मिलता वो क्या है? वो भी वही तो फिर बंदा कहाँ जाए कौन बताए अजमतें देखिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया पिछले पिछले दौर का वाकिया है एक अल्लाह के बहुत बड़े वली थे वली बनी इसराइल के शख्सियत जुड़च जुरेज।, जुरेज।, जुरेज उनका नाम था जुराइज रही बहुत बड़े अल्लाह के वली थे बहुत इबादत करते थे उनकी इबादतों के चर्चे मुआशरे सोसाइटी के अंदर होने लगे जगह जगह बातें होने लगी कि जुड़ैज माशा इस जैसा तो कोई इंसान नहीं रहा अब अल्लाह के करीब और अल्लाह का बंदा ये हालत थी कि एक मर्तबा ये नमाज की नीयत बांध के रकात बांधे माँ आ गई माँ आ गई ये इन्होंने इबादत के लिए अपनी कोई अलग सी एक खोटरी मेहराब बनाई हुई थी जहाँ पर ये खड़े होकर इबादत करते थे फराय के अलावा नवाफिल तो नवाफिल की नीयत बांधी थी दरवाजा बंद और बांधरी अब माँ आई मां को पता नहीं था अंदर जुरैज क्या कर रहे हैं मां ने पुकार लगाई जुरेज अब जुरेज ने सोचा कि अल्लाह अकबर एक तरफ मां की पुकार एक तरफ अल्लाह तबारा व तआला की इबादत मानूं तो किसकी मानूं नमाज तोड़ के जवाब दो या कंटिन्यू करूं दिल के अंदर एक कश्मकश शुरू हो गई मैं क्या करूं अब फिर इसके बाद उसने फिर आवाज लगाई या जुरैज फिर इनके अंदर दिल की कश्मकश शुरू हो चुकी थी कि क्या करूं? फिर उन्होंने आवाज लगाई जुरैज फिर कशमकश शुरू हो चुकी थी आखिर में फैसला करना पड़ा कि मैं नमाज तो नहीं तोड़ूंगा माँ की आवाज पे और वो क्या किए नमाज को कंटिन्यू किया और ये वापस चली गई पहला दिन का इतफाक यूं हुआ दूसरे दिन फिर आए इतफाक ऐसा ही था कि तभी उन्होंने फिर रकात बांधी थी माँ आई कहा कि जुरैज फिर मसला उनके अंदर उठने लगा कि मैं क्या करूं जवाब दूं या नमाज तोडूं? क्योंकि नफिल थी मां का बुलाना फर्ज था फर्ज नमाज को तोड़ना नहीं नफिल नमाज का मामला था बड़ी है इसके अंदर। कहां तक है इनकी बात की अहमियत है मां ने पकारा जुरेज अब उन्होंने नमाज नहीं तोड़ी फिर तीसरी मरत बकार जुरैज फिर वापस चली फिर तीसरे दिन भी वही इतफाक हुआ कि रखा बांधे जुरैज की मां आके खटखटाने लगी जुरैज अब जुरैज ने कहा अल्लाह क्या करूं मुसलसल हो रहा है लेकिन नमाज तोड़ूं तो कैसे तोड़ूं तो वो बांधे खड़े रहे हत्ता के तीन मरतबा पुकार दिया माने ने जुरैज जुरेज जुरेज जब जवाब नहीं दिया ना अचानक मां के मुंह से बद्दुआ निकलकर मां की बदुआ से डरो वलियों तक पहुंच जाती है तुम क्या हो किस खेत के मूली हो मां की बदुआ से डरो अब जुबान पे जो बदुआ निकली वो क्या थी अल्लाह जुरेज को मौत ना दे यहां तक कि ये किसी जानिया की सूरत ना देख ले मां ने ऐसी बदुआ करती क्या बोल दी अल्लाह जुरैज को मौत ना दे यहां तक कि ये किसी जानिया की सूरत ना देख ले यही यह चली गई मुद्दत गुजर गई इनके इबादत के चर्चे होने लगे हर जगह इनके इबादत और लिए लाहियत इनकी विलायत की बातें होने लगी यहाँ तक कि एक मरतबा जब अपनी खुटरी के अंदर अपनी महराब के अंदर बैठे हुए अल्लाह की इबादत में थे तो एक औरत आ गई कहा कि आ गुना करेंगे मैं बहुत दिन से तुझे ताक रही हूँ मैं तेरे से बड़ी मोहब्बत करती हूँ चल हम दोनों गुनाह करेंगे वो बंदा आंख उठा के यूं नहीं देखा यूं नहीं देखा अल्लाह का ऐसा बंदा था इसकी बड़ी अहमियत है हाँ सात तुल्ल ये वो बंदे हैं जिनको व तआला अर्श के साये में जगा देगा जबकि हशर के मैदान में कोई साया नहीं होगा उसमें वो नौजवान जो अपनी नौजवानी अल्लाह की इताअत में गुजारे वो सिफत वाला नौजवान बूढ़ा नहीं बूढ़ा क्या करेंगे करना चुने नवानी में अल्लाह की इतात करो इसके लिए अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि अल्लाह कहता है हम अर्श के साय में जगा देंगे और दूसरा वह बंदा व राज दु इमर अत जमालिन वो बंदा जिसको एक औरत बड़ी ही नसब वाली खूबसूरत माल वाली गुनाह की दावत दे आ करेंगे उस वक्त बंदा का फकाल इन्नी अख़ाफ़ुल्लाह नहीं मैं अल्लाह से डरता हूं हट दूर हट यह कहना भी हरकस नाकस की बात नहीं है बड़ा तकवा होना है उस वक्त कर जब औरत खुद अपील करती हो और है भी मालदार है भी खूबसूरत है भी खानदान वाली और है भी तन्हाई फिर कहती है कि आ मैं तेरे से क्या है मोहब्बत करती हूं गुना करेंगे उस वक्त किसी मर्द का खड़ जाना अल्लाह की इताअत पे मामूली बात नहीं इसके लिए बहुत बड़ा सवाब है ये बंदा भी वैसे ही बंदा था तो वो औरत आके बुलाने लगी तो हजरत जुरैज ने कहा कि बदबख्त मेरे ऊपर मेरे बारे में यह ख्याल चली जा कहा कि देख मेरी बात मान ले कोई नहीं देख रहा है कहा कि चली जा मैं तुझे देखना भी पसंद नहीं करता कहा कि देख वरना तू बदनाम हो जाएगा कहा कि तू कुछ भी कर ले चली जा तो वो निकल गई निकल के थी ही बाजारी वहां एक चरवाहा चर रहा था चरवाहे के साथ जिना किया और जिना करने के बाद हमल ठहरा हमल ठहरने के बाद बच्चा हुआ एक मरतबा जुरेज अपने मजलिस में बैठे वास कह रहे होते हैं लोग बड़ी अकीदत से सुन रहे होते हैं मजलिस को चीरती हुई वो जानिया आती है और बच्चा उठा के रखती है महफिल में सामने कहती है कि ये देखो तुम बहुत चर्चे करते हो जुरैज के बड़ा अल्लाह वाला बनता है तुम्हारे सामने लेकिन ये मेरे साथ जीना किया ये बच्चा उसी का है मां की बदुआ जुरैज जैसे विलायत वाले वली पर भी गुजर गई है माँ की बदुआ अब हजरत जुरैज बड़े हैरान हक्का बक्का रह गए ये क्या कह रही है लेकिन असल में क्या है ना जी आवाम का मामला बड़ा नाजुक होता है मोहब्बत पे आती है तो तलवे चाटती है नहीं तो पाऊं खींच लेती है अब जैसे ही देखा कि ये औरत के क्योंकि औरत की तरफ जल्दी मायल होता है मर्द कि कितनी गलती रहती भी औरत एक चीख ना फौरन पूरी पब्लिक वहां चल जाती बराबर जी बारो जी इसे पकड़ तो क्या तभी उन्हें भी जरा सही देंगी इनको भी क्या वो ख्वाहिश रहती पूरे मरता वैसे अच्छे कौन भी हमें तुम्हें अलग नहीं भाई एक सिफत बयान कर रहा हूँ

और वो बड़ी अकीदत से सुन रही थी जुरेश फला है फला है फला है तो उन्होंने क्या किया कि जुरेश तुम्हारे ये करतूत हैं गुस्से में आके उनका जो सौम्या था उनकी जो खुटरी थी जिनकी उनकी, उनकी मेहराब थी उसको मिसमार कर दिया मार के तोड़ दिया ये पब्लिक की जो है ना उससे बड़ी मुझे भी बड़ा डर लगता है कभी कभी कि ये कब गुस्से में आएगी कब आकर मोहब्बत में आएगी बोल नहीं सकते तो ये चीज क्या है जब इन्होंने देखा उन्होंने कहा कि अच्छा ये मेरा बेटा है हाँ तेरा एक बेटा है तो उन्होंने कहा कि लोगों ज़रा ठहरो मुझे अल्लाह से दुआ कर लेने दो क्यों ख़ाम परेशान रहते हो ये मुझ पर इल्ज़ाम लगाती है तो लोग थोड़ा सा क्या है सबर में बैठे लेकिन तब तक तो उनकी घुटरी मिस मार हो चुकी थी हाँ तो इसके बाद उन्होंने क्या किया वज़ू किया दो रक़ात नफिल विलायत का मुकाम देखो अब विलायत का मुकाम देखो कहाँ तक पहुँचा हुआ था बंदा है दो रकात नफिल नमाज़ अदा की अल्लाह से दुआ किया अल्लाह इस इल्ज़ाम से बरी कर दे मुझे फिर उसके बाद आए मजमा इकट्ठा हुआ था और बच्चा पड़ा हुआ था दूध पीता बच्चा अभी पैदा हो के क्या है दो तीन दिन भी नहीं हुए दूध पीता बच्चा उन्होंने आया माँ के पेट पे यूं मार बच्चे के पेट पे यूं मारा मार के कहा कि बेटा बता तेरा बाप कौन है तो बच्चा बोल पड़ा फला चरवाहा हजरत ईसा के बाद दुनिया का ये दूसरा बच्चा है जो बचपने में बात किया बुखारी की रिवायत के मुताबिक करामत कहां है विलायत कहां पहुंची हुई है इनकी दूध पीते बच्चे के पेट पे हाथ मारा और पूछा कि बेटा तेरा बाप कौन है तो बेटा बोल पड़ा अल्लाह के हुक्म से कि आप मेरे बाप नहीं है फला चरवाहा इस बदबख्श ने जिना किया था उसी के मैं पैदावार हूं मोहब्बत में आ गई पूरी पब्लिक कहा कि जुरेज हम सोने का बना देंगे तुम्हारे महल को उन्होंने कहा कि नहीं भाई नहीं मुझे मिट्टी का ही बना दो जो था वही बना के दे दो बस काफी बहुत लातें खा चुका हूं अब जो है वो वही बना दो नसीहत क्या मिली नसीहत क्या मिली विलायत का मुकाम ये लेकिन माँ की बददुआ इतनी बरहक है कि जुबान से निकल गई तो अल्लाह ने ऐसे वली पर भी फिट कर दिया हालांकि गलती भी नहीं थी उनकी इसी वजह से मैं माओ से बड़े अदबन दरखास्त करता हूँ बच्चे गलतियां करते हैं गुस्सा आता है तो कभी बदुुआ ना दीजिए तुम्हारी बदुआ की एक अलग अहमियत है अल्लाह के पास कभी कभी औलाद को बदुआ देने से बाद में तड़पती रह जाती है लेकिन जो बदुआ दे चुकी थी वो इन पर फिट हो जाती है औलाद बर्बाद हो जाती है औलाद गई एक्सीडेंट में मर गई तब चीखता है नौजवान बच्चे को लेकिन तुमने ही कभी गुस्से में कहा था एक्सीडेंट में जाको मर जा रहे तू बोल को नहीं मर गा बाद में दुआ कबूल होगी बददुआएं अल्लाह तबारा को अहमियत देता है तो दुआओं को क्यों अहमियत नहीं देगा हा? भाई माँ बाप की बददुआओं को यह अहमियत है तो माँ बाप जब अपने लिए अपनी औलाद के लिए दुआएं करेंगे तो कितनी बड़ी अहमियत है इसीलिए यह भी सबक समझ लो माँ बाप पर जरूरी है कि वह अपनी औलाद को दुआओं में शामिल करें क्यों इनकी अहमियत अलग है दूसरे करने वाले दुआओं की अहमियत अलग है दूसरे करने वाली दुआएं 10 परसेंट कबूल होती हैं हक में तो मां बाप की दुआएं 100 परसेंट कबूल होती हैं औलाद के हक में यूं हाथ उठाया अल्लाह माँ कबूल कर लेता है क्योंकि माँ है ना तो माँ की जुबान से निकलने वाली बदुुआ विलायत का ये मुकाम कि पैदाइशी बच्चे पे हाथ रखा बोल उठा लेकिन बदुुआ ना गई अल्लाह ने फिट कर दिया जिंदगी में जानिया औरत को देख लिया तब कहीं जाके वफात हुई उनकी. बुखारी व मुस्लिम की रिवायत की ऐसी ही दूसरी हदीस मैं आपको बताता हूँ वाक़े की शक्ल में अल्लाह के रसूल अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उमर मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हारे ज़माने में एक शख्स आएगा तुम्हारे ज़माने में एक शख्स आएगा और उसको बर्स की बीमारी जो सफ़ेद पैचेस जिसे कहते हैं देखिए है। जो बर्स की बीमारी होती चट्टे चट्टे वो आई होगी और अल्लाह की बरकत से तमाम जगह से चली गई होगी लेकिन पीठ के मुकाम पे एक बिल्ले की तरह वहां पर रहेगी उसकी निशानी है वो आए और तुम्हारी मुलाकात हो जाए अपने लिए मखफरत की दुआ करवा लेना लो किससे उमर जैसी शख्सियत से उमर जैसी शख्सियत जिनके लिए अल्लाह के रसूल ने कह दिया कि मैंने तुम्हारा महल देखा जन्नत में तुम्हारी हूर को देखा और तुम्हारे ये ये मुकाम है तुम जिस गली से गुजरते हो उस गली से शैतान नहीं गुजरता इतनी फजीलतें दे के कह रहे हैं तुम्हारे बाद यानी सहाबी नहीं होगा वो मेरे बाद आएगा ना तो ताबई होगा तुम सहाबी हो लेकिन वो आएगा तो उससे अपनी मकफिरत की दुआ करवा लेना उसकी निशानी ये है कि उसके पीठ पर एक सफीद धब्बा अब भी मौजूद है बर्स की बीमारी का हजरत अमर को ये बात अपने खिलाफत में अच्छी तरह याद रह गई थी वो जब भी पूरे लोगों को जमा करते हज के मौके पर पूरे माल आना चाहिए था तो सब के लिए हज में ऐलान करते कि भाई कोई ऐसा शख्स आया है और अलग रसूल ने बता दिया था कि वो बनु आमिर से होगा कबीले आमिर से और उसका नाम ओवैस होगा तो पूछा जाता भाई करनी करनी होगा तो कोई करनी बनु आमिर का ओवैस नाम ही आया है कोई जवाब नहीं देता था एक जमाना एक मर्तबा ऐसा हुआ कि मालूम हुआ कि एक करनी है लेकिन वो कहीं दूर गया हुआ है बकरियां चराने के लिए तो हजरत उमर ने दौड़ लगाई और साथ में हजरत अली को भी साथ में ले लिया और कहा कि चलो जी जाएंगे देखेंगे तो वहाँ पर वो नमाज़ पढ़ते हुए मिल गए उन्होंने पूछा कि तुम करनी हो कहा कि हाँ बनो आमिर से हो कहाँ क्या तुम्हारा नाम उवैस है कहा कि अब्दुल्ला उन्होंने कहा मैं अल्लाह का बंदा हूँ उन्होंने कहा कि अल्लाह का बंदा ही है तेरी माँ ने क्या रखा तेरा नाम कहा कि उवेश तो फिर वो क्यों नहीं कहता अब उनको भी मालूम नहीं था ये कौन है सामने उसके बाद कहा कि देख मैं अमीर उमर हूँ तो वो उठ के खड़े हो गए क्योंकि उस टाइम वो पोस्टर तो नहीं लगते थे ना कि कौन मिनिस्टर है कौन प्राइम मिनिस्टर है फोटो तो नहीं थी तो वो जानते नहीं थे उमर कौन तो उसके बाद क्या है बड़े अदब से पेश आए कहा कि अमीर आप आने की क्या ज़रूरत थी मैं खुद पहुँच जाता कहा कि देखो अल्लाह के रसूल ने हमें बताया था बनो आमिर का एक करनी शख्स जिसके पीठ पर एक सफ़ेद धब्बा है बर्स का तुम ना कभी बर्स की बीमारी थी कहा कि हाँ थी चली गई चली गई एक धब्बा है तो बताओ हटाओ चादर मैं देखना चाहता हूँ चादर हटाई पीछे एक धब्बा था कहा कि पूरे निशानियाँ पूरे हो गए तो कहा कि हाथ उठाओ उमर ने कहा कि हाथ उठाओ कहा क्या हाँ क्या बात है मेरी मखफरत की दुआ करो वो रोने लगे कहा कि अमीरमोमिन मैं कहाँ आप कहाँ आप सहाबी में था भाई और आप कह रहे हैं कि मैं दुआ करूं आपके लिए कहा कि रसूल ने यही कहा था मुझ पर कि तुम आए तो अपनी मकफरत की दुआ करवा लेना हाथ उठाओ आप करो मैंने कहा कि कर देता हूं आपको मैं मैं क्या कर सकता हूं मैं कर देता साथ में तो उन्होंने कहा कि मेरे लिए भी कर देना भाई साथ में फिर बाद में पूछा कि ऐसी क्या बात थी जिसकी वजह से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ताकीद की थी तो हजरत उवैस ने कहा कि अल्लाह के, के रसूल के जमाने में मैं था और खबर भी पहुंच चुकी थी कि रसूल हैं लेकिन मेरी माँ ऐसी जयीफ थी और मैं अकेला बेटा था छोड़ के नहीं आ सकता था मैं खिदमत की वजह से सहबियत से महरूम हो गया माँ की खिदमत की वजह से सहाबियत से महरूम हो गया लेकिन यह इशारा जो अल्लाह के रसूल कह रहे हैं कि तुम ही अपनी मगफिरत की दुआ करवा लेना यह बात बताती है कि मां की खिदमत कबूल हो गई अल्लाह के रसूल गायबाना के, के चले गए उवैस आएगा जो मां की खिदमत की वजह से मेरी सहाबियत से महरूम हो गया सहाबी तुम हो लेकिन तुम भी दुआ करवा के ये बात पैगाम उम्मत मुसलिमा के आखिरी कोने तक पहुंचा देना कि मां की खिदमत का कोई जवाब नहीं हो अब सुनो नोट कर लो इस बात को हजारों नहीं लाखों उवेश मिल जाए हाँ? हजारों नहीं लाखों उवेस मिल जाए हजरत उम्र के एक बाल के बराबर नहीं हो सकते फसीलत में है हाँ? हजारों नहीं लाखों उवेश मिल जाए हज़रत उमर की फजीलत में एक बाल के बराबर नहीं हो सकते अल्लाह के रसूल ने फिर भी उवैस से दुआ करवाना क्यों कहा इस वजह से कहा कि ये पैगाम दुनिया तक पहुंच जाए कि माँ की खिदमत करने से अल्लाह के दरबार में अल्लाह का बंदा इतना ऊंचा हो जाता है कि वो हाथ उठाता है तो वो हाथ को कभी नामुराद नहीं लौटाता उसकी हर दुआ कबूल होती आज हम क्या कर रहे हैं माओ के साथ आज हम क्या कर रहे हैं बापू के साथ अल्लाह के रसूल अहदीस के जरिए हमें क्या तालीम दे रहे हैं न्यामत समझो न्यामत एक एक खिदमत को सादत समझो सादत इनकी खिदमत में जन्नत है इनकी न करने में खिदमत जहन्नम है अल्लाह माफ़ नहीं करेगा ये बहुत बड़ा गुनाह है वालदेन के हक़ूक़ की नाफरमानी वालदेन की खिदमत की नाफरमानी ये मामूली गुना नहीं है ये बहुत बड़ा गुना है मुसलमानों अल्लाह तबारा को वाली माफ़ नहीं करेगा ये हक़ वालदे हैं अगर वालदे तुम्हें बद दुआएँ दे दें अल्लाह तबारा को वाली वो भी कबूल कर लेता है तो याद रखो वक्त ज़्यादा नहीं है हमारे पास कि मैं और वाकियात ये दो बिल्कुल सही तरीन बखौरी व मुस्लिम की रिवायत की जो मैंने आपके लिए एक ख़िदमत के सिलसिले में एक माँ की अहमियत के सिलसिले में और सात आयात पूरे क़ुरआन से मैंने आपके सामने रख दिया अभी इस पर भी कोई बंदा नहीं पिघलता है तो वह इंसान कहलाने का भी लायक नहीं है इस पर भी कोई अपनी माँ से सुलह नहीं करता है इस पर भी जाके अब भी माँ के पास क्या है माफ़ी नहीं मांग के मिल लेता नहीं है तो मैं समझता हूँ फिर इंसान कहने के भी लायक नहीं माओ से सुलह करो माओ से माफ़िया मांग लो माँ बाप से जो भी खताएं हो गई गुस्सा हो गया उनसे माफिया भी करा लो कल क़ियामत के दिन वो माफ़ ना करेंगे तो अल्लाह भी माफ़ नहीं करेगा अल्लाह भी माफ़ नहीं करेगा जो लड़ चुके हैं जो बीवियों के बातों में माओं को छोड़ चुके हैं या बीवियों के लिए माओं को छोड़ चुके हैं या जिन्होंने क्या है माँ बाप को हकीर समझा माँ बाप के ऊपर गुस्सा किया गाली दे दी, दी याद रखो जीते जी उनसे माफी करा लो सुलह करा लो, वरना फिर तो तुम दुनिया व आखिरत में नाकाम व नामुराद हो जाओगे अल्लाह भी माफ़ नहीं करेगा अल्लाह भी माफ़ नहीं करेगा ये बातें जहन में रखो मैंने मुख्तसरन आपको सिर्फ़ हवाला जात के अतबार से मतबर तरीन हवालों के साथ बात को समझाई है सात आयतों का मजमु हसन सलूक की हैसियत से बुखारी और मुस्लिम की दो अहादीस जुरैज की माँ की अहमियत के सिलसिले में और अवैसे करनी की माँ की ख़िदमत के सिलसिले में ये चीज़ें याद रखो अगर जो भी इबरत की निगाह से देखेगा वो कभी माँ बाप की नाफरमानी नहीं करेगा जिन पर कभी क्या है असर ही नहीं होता ऐसी जहनीत और ऐसा दिल बना चुके हैं तो फिर तो क्या है हिदायत देने वाला अल्ला तबारा है ममाअल अलबलाबिल तोफ़ी सल् वसमबीना महमदील वल्लमसमिनम बिन फ़िरफ़ुर